बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी नाली टीवी। हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा के सिलसिले में अहम अपडेट। रहमान अली बाजवा ने अपने ऑफिशियल पेज से ये खबर दी है। तमाम मुलाजमीन को आगाह किया जाता है कि हमारी जो गुज़िश्ता मीटिंग थी उसके हवाले से पे एंड पेंशन कमीशन और गवर्नमेंट ने 12 वादे किए और हमारा मुतालबा था कि ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना, मगर वहाँ पर भी हमें तकसीम करने की कोशिश की गई और सिर्फ ग्रेड 17 से 22 तक को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया। ये खुश आइंद बात है और हम ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दीगर मुलाजमीन को हक दिलवाने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि 13 अक्टूबर 2022 को एहतजाजी धरने की कॉल है, जिसमें वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और अगीगा में शामिल वफाकी मुलाजमीन की तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस के मुलाजमीन धरना देंगे और हर मंगल 4 और 11 अक्टूबर 2022 को वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन दिन 11 बजे क्यू ब्लॉक फिनांस डिवीज़न के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे, जिसमें अगीगा में शामिल वफाकी मुलाजमीन की तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस के अहदेदारान और मुलाजमीन शिरकत करेंगे। तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए पुरअमन एहतजाज में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएँ, क्योंकि आपके इत्तेफाक इत्तेहाद से पहले भी हमें रिलीफ मिला था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम रिलीफ हासिल करेंगे। मुतालबात: एग्जेक्टिव अलाउंस दीगर कैडर्स के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को भी दिया जाए और एग्जेक्टिव अलाउंस की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को किसी भी अलाउंस के नाम से 150% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। 11 फरवरी 2021 के माहदे के तहत एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लेटर मौरखा 22 अप्रैल 2022 की सिफारशात के मुताबिक सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 की अपग्रेडेशन की जाए। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारशात के मुताबिक हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। तमाम डेली वेजेस, कंट्रैक्ट, अडाक मुलाजमीन और PM पैकेज के मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मौजूदा महंगाई के तनासब से पेंशनर्स की पेंशन में खातरख्वाह इजाफा किया जाए।